हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन किरण किचन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लोगों के लिए लेकर जन्माष्टमी स्पेशल कुट्टू के आटे का हलवा। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और उसमें 1/2 कप आटा डाला है और उसे मीडियम आँच पर, लो टू मीडियम आँच पर इसे भुनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें अपने स्वादानुसार चीनी मिलाएं। मैंने इसमें 1/4 कप मिलाया है। टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने पानी मिलाया है 1 कप के आसपास। यहाँ पर आप इसमें पानी के बजाय आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिना लम्स के इसे धीमे आंच पर ही धीरे धीरे इसे पका लें। जब सारे पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर समझिए कि हलवा तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, कुट्टू के आटे की हलवा बिल्कुल रेडी है, तो आइए इसका सर्विंग करते हैं। बाउल लें और बाउल में इस हलवे को निकाल लें और इसे बादाम, कटे हुए बादाम से सजाकर सर्व करें। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी का भोग तैयार है। ये भोग है तो भोग तो तुलसी पत्त दल के बिना बिल्कुल अधूरा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर तुलसी दल डाला है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट रेसिपी भी बना लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, यदि पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाया और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला है और इसे गर्म होने दें। फिर जब ये गर्म हो जाए फिर इस 1/2 कप सिंघाड़े का आटा मिलाया है और लो टू मीडियम हीट पर इसे भी ब्राउन होने तक भून लें अच्छे से। घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, इस टाइप के ब्राउन, मीडियम आंच पे ही इसे भूनना है, ये ध्यान रहे। फिर इसमें मैंने 1/4 कप चीनी मिलाया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो ज़्यादा मिलाएं। साथ ही इसमें 1 कप और 1/4 कप इसमें मैंने पानी मिलाया है। पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करें। ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। ऐसे अच्छे से मिक्स करते हुए बिना लम्स के इसे तैयार कर लें। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पानी सूखने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने घी मिलाया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर दें, सभी प्लेट पर निकालें और इसे सर्व करें काजू किशमिश और बादाम से सजाकर। तो फ्रेंड्स, तैयार है 2 तरीके के हलवे कान्हा जी के भोग के लिए। तो बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये हलवे आपको कैसे लगे, इजी और सिंपल तरीके से बनाए हुए हलवे आप लोगों को कैसे लगे। आप लोगों को यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।